हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ रिगार्डिंग द पीएचडी एडमिशन एट आईसर पुणे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च पुणे ने अपने एप्लीकेशन आउट कर दिए हैं फॉर अगस्त 2023 बैच तो यहाँ पे जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे यू हैव टू क्लिक ऑन पीएचडी प्रोग्राम सो यहाँ पे आपको जनरल इन्फॉमेसन का लिंक प्रोवाइड किया गया है रिगार्डिंग द पीएचडी प्रोग्राम ऑफ आईसर पुणे और क्या रिसर्च हो रही है आईसर पुणे का इसका भी आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड किया गया है तो आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या रिसर्च हो रही है उसके बाद अगर हम एडमिशन टू पी प्रोग्राम ट्वेंटी बैच स्टार्टिंग इन अगस्त ट्वेंटी की बात करें सो so यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोटिस दिया गया है दैट इन व्यू ऑफ कोविड PhD interview may be held online. Clear guidelines or any change in procedure will be provided to the candidates shortlisted for the interview. So, अभी जो आपका interview है वो online होना है due to COVID-19. But अगर कोई भी change होता है guidelines में तो जो भी shortlisted candidate होगा उनको inform कर दिया जाएगा अगर हम application process की बात करें so only online application will be accepted. जो भी processes हैं आपको online fill करनी है द कैंडिडेट मस्ट केयरफुल टू फिल आउट एंड द सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्राम ऑन और बिफोर ऑफ द स्पेसिफाइड डेट जो भी इम्पॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं उनसे पहले आपको एप्लीकेशन को फॉर्म फ़िलआउ करना है

इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एप्लीकेशन क्राइटीरिया कि सब कुछ ई मेल के थ्रू आपसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा आप अपने पीरियोडिक अपडेट्स देख सकते हैं अगर कोई क्वेरी है तो कैसे आपको मेल uh, करना है या इम्पॉर्टेंट नोटिस हैं आप पढ़ सकते हैं नाओ इफ़ यू टॉक अबाउट कि क्या इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन टाइमलाइंस हैं फॉर फॉर द बैच तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो एप्लीकेशन ओपन हो रहा है आपका जनवरी 2023, 23, 2023 से ओपन हो रहा है लास्ट डेट आपका फेबररी 20, 2023 है और मार्च 29, 2023 से मार्च 31, 2023 तक आपके जो फर्स्ट राउंड है इंटरव्यू का वो होना है देन मे 8 से 2023 ट्वेंटी टू मे नाइन ट्वेंटी तक आपका फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू होना है जो इन पर्सन मोड होना है जो आपका फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा वो ऑनलाइन होगा एंड देन उसके बाद नेक्स्ट इंटरव्यू आपका इन पर्सन मोड में होगा सो आइसर पुणे होस्ट अ डाइवर्स रिसर्च ग्रुप वर्किंग इन वेरियस एरियाज रिसर्च इन बायोलॉजी एट आइसर पुणे इन कम्पासेज बोथ थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेज़ तो यहाँ पे आपको थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल दोनों ही रिसर्च करने को मिलेगा द फॉर फील्ड ऑफ रिसर्च ओपन टू द एप्लीकेशन इन दिस राउंड पी एच डी सेलेक्शन आर गिवन बिलो सो जो जो फैकल्टी मेम्बर आपके लिए अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है और कौन कौन सा जो रिसर्च फील्ड है वो ओपन है वो भी प्रोवाइड किया गया है सो so, अगर आपको मोलिकुलर बायोलॉजी सेल बायोलॉजी या बायो केमस्ट्री में इंटरेस्ट है सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बायो केमस्ट्री सेल बायोलॉजी मॉलिकुलर बायोलॉजी कैंसर बायोलॉजी सेलुलर बायोफिजिक्स क्रोमोजोम बायोलॉजी डेवलपमेंट बायोलॉजी इपीजेनेटिक्स इम्यूनोलॉजी माइक्रो बायोलॉजी न्यूरो साइंस और स्ट्रक्चरल बायोलॉजी तो यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ़ फैकल्टी मेम्बर प्रोवाइड की गई है जिनके अंडर आप वर्क कर सकते हैं ये सारे फैकल्टी के अंडर अभी आपको सीट अवेलेबल है इफ़ यू टॉक अबाउट प्लांट बायोलॉजी तो यहाँ पे थ्री साइंटिस्ट आपको अवेलेबल हैं लाइक प्लांट बायोलॉजी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर बायो या फिर केमिकल इकोलॉजी में अगर आप रिसर्च करने में इंटरेस्टेड हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन थियोरटिकल एंड कम्पटेशनल बायोलॉजी लाइक इन न्यूरो साइंसिस इवोल्यूशन बायो इन्फॉर्मेटिक्स कम्प्यूटेशनल सेल बायोलॉजी तो यहाँ पर आपको लिस्ट प्रोवाइड की गई है इफ़ यू आ इंटरेस्टेड इन ईकोलॉजी एंड ईवोल्यूशन तो यहाँ पर आपको थियोरेटिकल एंड एम्पेरिकल दोनों तरह की इकोलॉजी देखने को मिलती है बट जो आपका इंटरव्यू होना है फॉर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन इट विल बी हैपनिंग बिटवीन मे ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी फोर एंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दिस फील्ड विल बी अवेलेबल ऑन बिफोर वन मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एंड द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन विल बी टू अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सो अगर आप इकोलॉजी इवोल्यूशन से फिल आउट करना चाहते हैं तो उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपको मे मार्च वन मार्च तक आपको अवेलेबल हो जाएगी और आपका लास्ट डेट है टू अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री लिस्ट ऑफ फैकल्टी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है सो ओनली दोज फैकल्टी मेंबर हुज नेम आर गिवन अवर विल एक्सेप्ट द स्टूडेंट थ्रू दिस राउंड ऑफ पीएचडी एडमिशन देयरफॉर बिफोर अप्लाइंग स्टूडेंट शुड चेक द लिस्ट केयरफुल टू इंश्योर दैट लैब ऑफ देयर इंटरेस्ट आर एवलेबल फॉर द एडमिशन इन दिस राउंड सो यहाँ पे इन टीचर्स के अंदर कौन कौन सी लैब अवेलेबल है आप देख सकते हैं और उसमें आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो ही आप अप्लाई करिए बिकॉज यही जो फैकल्टी मेम्बर जिनका नाम दिया गया है वही एक्सेप्ट करेंगे स्टूडेंट को इस राउंड ऑफ पी एच डी में अगर हम एप्लीकेशन की क्राइटेरिया की बात करें ऑल कैंडिडेट हु फुलफिल क्राइटेरिया ए वन एंड एनी ऑफ द क्राइटेरिया मैंशन इन ए टू आर एलिजिबल टू अप्लाई अगर आप ए वन का क्राइटेरिया uh, फुलफिल करते हैं और कोई भी एक क्राइटेरिया ए टू का फुलफिल करते हैं तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन रिसिप्ट आईसर पुणे विल क्रिएट द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट टू बी इन्वाइटेड फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन इंटरव्यू दैट इज शेड्यूल्ड टू हैपन बिटवीन मार्च ट्वेंटी नाइन थ्रू थर्टी वन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सो उसके बेसिस पे ही जो इंटरव्यू का लिस्ट है वो प्रिपेयर होगा अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एवन की बात करें सो so आपके पास मास्टर्स होना चाहिए और बी होना चाहिए बीटेक होना चाहिए एमटेक या एमबीबीएस में से किसी की भी डिग्री है science, like physics, science, science, इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस लाइक फ़िजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजिकल साइंस इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट साइंस बायोडायवर्सिटी साइकोलॉजी और इक्विवेलेंट इनमें से अगर किसी के भी आपके पास मास्टर्स डिग्री है या बी ई बी टेक एम टेक या एम बी बी एस की डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम जनरल ओ बी सी ई डब्ल्यू एस कैटेगरी एप्लीकेशन शुड हैव अनिमम सिक्स परसेंट मार्क्स इन एग्रीगेट ओवरऑल परसेंटेज नॉट जस्ट इन द मेजर सब्जेक्ट में इतना आपका ओवरऑल सिक्सटी परसेंट मार्क्स होना चाहिए या इक्विवेलेंट सीजीपीए होना चाहिए फॉर एप्लीकेशन फॉर एस टी एस टी एस सी एस टी एंड पी डब्ल्यू डी कैटेगरी आपके पास मिनिमम फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल ना कि किसी मेजर सब्जेक्ट में ओवरऑल परसेंट मार्क्स की बात हो रही है एन इक्वेलेंट जी पी ए स्टूडेंट हुज़ फाइनल रिजल्ट इन मास्टर्स और येट टू बी डिक्लेयर कैन ऑल्सो अप्लाई अगर आप अपेयरिंग में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका रिजल्ट अभी आया नहीं है और आने वाला है तो आप अप्लाई कर सकते हैं हाउ एवर इफ सेलेक्टेड द ऑफर फॉर दिस स्टूडेंट विल बी प्रोविजनल सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द अब क्राइटेरिया एट द टाइम ऑफ एडमिशन सो अगर एडमिशन के टाइम पर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और आप मास्टर्स के कम्प्लीट uh, कर चुके होते हैं तो आप वहाँ पर एलिजिबल होंगे अगर हम सेकेंड ए टू क्वालिफिकेशन की बात करें सो एप्लीकेशन मस्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन सो आपके पास इनमें से कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सो so या फिर आपको सो so अगर आपने जे जी बिल्स का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई किया है तो आप उस रैंक के बेसिस पे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं अगर आपने क्वालिफ़ाई किया है नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम और अ फाइव ईयर फेलोशिप लाइक सी एस आई आर जे आर एफ़ यू जी सर एफ़ डी बी टी जे आर एफ कैटेगरी ए आई सी एम आर जे आर एफ़ या फिर डी बी टी बी आई एन सी जे आर एफ़ राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप नेशनल फेलोशिप फॉर एस टी स्टूडेंट बाई सी एस आई आर या फिर नेशनल फ़ेलोशिप फॉर हायरस्ट एजुकेशन बाई एस टी या फिर नेशनल ओ बी सी फेलोशिप या फिर नेशनल फेलोशिप फॉर पी डब्ब्ल्यू डी इन से अगर आपने कोई भी फेलोशिप अवेल किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं बट आपका जो फेलोशिप है वैलिड होना चाहिए ऑन थर्टी वन अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तक अगर आपने जेस्ट या जी या एन मैं से किसी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और आपके पास वैलिड स्कोर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इंस्पायर फेलोशिप है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं शुड बी इन पोजिशन ऑफ प्रोविजनल सिलेक्शन लेटर एट द टाइम ऑफ़ इंटरव्यू आपके पास प्रोविजनल सिलेक्शन लेटर होना चाहिए एट द टाइम ऑफ़ इंटरव्यू अगर आप आईसर से बी एस एम डिग्री हैं और आपका सी जी पी मोर देन एट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं गेट एग्ज़ाम अगर आपने क्वालिफ़ाई किया है इन लाइफ साइंस केमिस्ट्री इकोलॉजी इवोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स तो आप अप्लाई कर सकते हैं बट आपका जो गेट स्कोर है मस्ट बी वैलिड ऑन थर्टी वन अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सो ए वन में से आपको सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं, बट ए टू में से आपको वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया फुलफिल करना है इफ़ यू फुलफिल एनी ऑफ दिस क्राइटेरिया तो आप अप्लाई कर सकते हैं शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू प्रोसेस तो जैसे ही आपका जो कैंडिडेट्स हैं वो सेलेक्ट होंगे देन आपका जो इंटरव्यू होगा उसे मीटिंग ऑफ द अबब मैंशन क्राइटेरिया मेक द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर ओनली द एप्लीकेशन स्टेप आई सर पुने रिजर्व द राइट एंड यूज ऑफ स्टीजन क्राइटेरिया फॉर द परपज ऑफ शॉट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू फिर आपका इंटरव्यू होगा एंड इंटरव्यू के बाद आप जो है सेलेक्ट अगर हो जाते हैं तो आप पी एच डी वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं

फॉर योर अगस्त 2023 batch, बैच अगर इनमें से कोई भी आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे आप आईसर पुणे की रिसर्च वेबसाइट पर जाके सारे डिपार्टमेंट्स को चेक कर सकते हैं कौन सी साइंटिस्ट के अंदर कौन सी लैब है यू कैन चेक आउट देन यू कैन अप्लाई सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन